नुला क्या भगवान भगत के सामने प्रकट हो जाते हैं? या किताबों में नहीं लिख दी बंदर से को बाद बन खतरे आ गया, मेरा अगले जहर में भी आ गया, उनके लिए जो हो गए उनके लिए हो गया, ये सब बात सत्य है? द्रौपदी का जो चीर में ही समागा, चीर ही इतना लंबो हो गए और कौन आए, क्या महाराज ये सत्य है? तो गुरु महाराज जी जो है एक भगत को उदाहरण, किंचन को जन्म ऐसा परिवार में हो गयो जय परिवार में शुरू से ही लूटपाट को काम होते, जय एक जमींदार का खेती को काम है तो उनके बच्चों चाहे जो ना कोई नौकरी सर्विस कर ला जाए फिर भी खेती में रुचि रहेगी, तो साहब जो है वो रोजाना रास्ता पर जाके बैठ जाओ तो कोई भी कोई कहीं के गाना हूं कहीं के कोई ऊंट पशु जो ना गाय भैंस कोई अच्छी हुए कोई और कुछ उन्हें खोस ले और दमका दे पिटाई कर दे भगा दे अरुण खोस के लिया। अब लियाओ जैसा पुनीता जो है उन्हें बार बार गए अपन धंधो ईसो है अपन सबके सामने नीचो देखना पड़े कोई देखे तो लज्जा महसूस हो तो एक ही बजाय जो ना कोई अपना जीवन को उद्धार हो ऐसी बात भी कोई कहीं से पूछो न तो लिए फालतू बात करने की जरूरत करो, हमारा घर की रीति आई है दादो यही कर दो पिताजी यही कर दो यो ही अपने रोजगार रोटी है ऐसे पेट भरा पेट भरा मैं तो ठीक है पेट भरना ही कोई जीवन थोड़ी मारा माँ बाप कन तो हम यह सुनी आग भाई कुछ न कुछ संतान को संग करना चाहिए अच्छा समय बैठना चाहिए उगन बोगन बोले धंधा खराब करवाओगी वह कहेंगे उल्टी बात है और आप सुनियो जाओ छोटे तो कोने तू रहन देन से दूरी रहन पर वो साहब बार 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 एक बात दिमाग में बैठाओ ने तो एक आज का समाज में मैं देखी और आदमी की समाज मिलके कोई बात कह दो कोई तनी वो काम करना है तो कौन जचे और घरवाड़ी कह दो न करे कौन तो विचार जरूर करे और बात चार पांच बार रिपीट कर दे तो उन काम करे सर चाहे कल खराब सही बात है यह आज की बात है और उन टाइम से भी कदे से चलती आ रही है तो वह बैठे जदी भोजन करे जदी जो ना विश्राम करे जदी वाई कहे आ कदे चल लो कोई अच्छा आदमी तो बोले अच्छो कोई को नहीं आप ठीक सा पर फिर चर्चा चले तो एक दिन बोले तो चल आपने पांच सात दिन को जो है रोटी रोजगार को काम चाल हरी तेने चाल तेने घुमा लिया तो जंगल में चला गया। अब जंगल में चला गया देख महात्मा जी बैठे तो महात्मा जी आप आराम से ध्यान करे और देख ली महात्मा जी भी गयो तो जो है सह तो उल्टा सीधा काम करनी हुई पर ले चलो आ गया बैठे बात और भाई तम ठीक हो सब यहाँ व्यवहार की बात करी तो उनके लुटेरा के भी जो है थोड़ी दया तो बोले आज तो चल महात्मा का काम ला लो कहते फिर आवागे। अब वो पांच सात बार गया तो एक दिन महात्मा जी पूछ ली आ कहीं आओ भाई के बात है तमी बोले आवा के बोले महाराज हमने शर्म भी आओ हमारो काम बताऊं था और या भी चाहो हमारो कल्याण हो जाए तो बोले बताओ के बात है फिर हमारो बताने की बात ये है आके हम जो है ना लूटपाट को धंधो करा मारा बोले ये तो लक्षण देख दिया हाँ घणु बोलो काम तो कौन नहीं पर फिर भी जो है ना आप बताओ के तुम्हारे लायक के सेवा करना चाहो बोले महाराज वो धंधो भी ना छूटे और मारो कल्याण भी हो जाए ना, ना, ना। तो बोले भाई कल्याण वाला है तो कर लो काम पर फिर भी जो है ना जो भी तमी लेके आओ एम ऐसे कुछ कुछ निकाला करो गाय के लिए निकालो साधु ब्राह्मण के लिए निकालो कोई गरीब के लिए निकालो कुछ न कुछ है जब से तारी कमाई में से कोई न कोई चीज निकाला चलो महाराज मारली कमाई को लेके रजी बन तो बोलो रोजाना जो है ना यो नियम कर लो रोजाना कोई न कोई अतिथि ने साधु ने ब्राह्मण ने गरीब ने कुछ प्रसाद करवा कर फिर बाद में वो करना जब वो बोलना से पहली बार पनीता बोले बोले मुन्ना बनाने ये तो महाराज ये तो मैं कर दूँ कर दिए भोजन मुन्ना करवाना हो तो मैं कर दूँ वो बोले कर तो दे पर वो उन्हें बिना बोले साबुन साधु उन दोनों का नहीं बात है स्वीकार करवाने की भाई भोजन कराना हो सबसे पहले कहीं जिमा के अब जिमा के कारण फिर पसते काम के लाग जाए हनुमान दाम लाग जाए अब कदे कदे पांच सात हो जाए पांच सात हो जाए को तो जो ना किंचन को तो फिर भी जी दुख पाओ अपन इतना बड़ा राजी होगी उन्होंने प्रसाद राजी होगी करवाओ तो सब समय बीत गए
आपको लास्ट जै को दे एक हो जाने तो परमात्मा फिर परीक्षा ले। एक दिन संयोगी जो बैठे हो गांव का ऐसा आदमी जो पहले दुष्ट काम कराया करते तो फिर बात ठीक रहा चलने लागू ने तो घर परिवार गांव का सब विरोध करने लागू, फूट के ना करें तो अंदर अंदर जलन रहे। अब संयोग बैठे हो और उस संयोग में ऐसी बात हुई आगे एक दिन 125 महात्मा कोई जो ना कुंभ का मेला में चाल पड़ा एकठा हो और एकठा होके जब चल लिया तो उनमें से साहब जो ने एक साधु जो वृद्ध अवस्था को उन या कही बोलो भाई 5-7 गांव बीत जाए जब एक रात विश्राम कोई ब्राह्मण कहे कोई मंदिर में कोई जोड़ पर कोई अच्छा आदमी का ले लो और अपने चलता रहो। बोलो ठीक है। आप वो संयोगी सब बैठे हो तो वहां किंचनाड़ा गांव में आ गा गांव में आगा तो उन्हें बकरी भाई दिन छिपको रात ने विश्राम लेना चाहो हाँ और कोई भगत ही सो हमने प्रसाद करवा दे क्यों बस 5-7 खड़ा टूट के खट दे जी बोलो ईसो जोर को भगत खाता नाम में हम बता दे किंचन के चला जाओ भोजन भी मिला करो विश्राम कर ले भी सारी व्यवस्था तारी उठे तैयार पाऊंगी। आप वो संयोग ईसो बैठ गो जब जो कई दिन कहीं ना जी मामता हो जाओ ने तो फिर बस उनका दया है हो जाओ तो वो साहब लुटन की 5-7 दिन को नितान आयो चोरी करने कोई मौको कौन लागो तो बस वो घर में कोई व्यवस्था को पर वो घणो चो चपट को नहीं आराम से कोई ठीक से परमात्मा भेजे परमात्मा विश्वास होने लागो। अब विश्वास होने लागो तो साहब वो जाके और वो दिख्या बाबा जी जद बुढ़ा राजीव है एक बार तो और वह पुण्यता तो पूछो मुझे इतनी खुश हो और वो साहब जब देख के लगा भगत जी राम राम बोलो राम राम भाई आओ साधु आओ बड़ा भाग मारा बड़ी कृपा करी आओ कहीं आ बोले कहीं आगे बोले राज बसो ना भगत तेरे राज बसो तो लोगा पर मारो डंको नहीं की तरह खान पीन को के स्थिति करा तो वो बितनो बोलना पहले अपने तो बोले आओ जी महाराज बैठो बैठ अब बैठो जी बोले लेकिन है कि लोगा बोले पानी का मटका तो ले बदरिया से और किमी को बोले पानी तो प्याज अब पानी तो प्याज बनो को इतना सातवा की कहीं व्यवस्था करा जो अपनी तबली करेगा भगवान दया मत चिंता करो हिम्मत बंद आयोगी जब फिर दोबारा जो ने बोली श्याम नानी की मैं बोले आज तो साधु रात ने कोने खाया गया तो पानी पिया दे तड़के ही देखा जिम्मी करो तो पानी पात पिला के विश्राम करवा दियो रात ने फिर बतलाया फिर बतलाया चलो बावड़ी तो चिंता क्यों करे है अब भगवान इतना बाबा जी भेजा है तो कोई लुटन खातर भी भेजेगा लुट के और करेगा व्यवस्था तू डट सो रात काट रात काट तो तड़के जल्दी खड़े हो चलना दिखाऊ कौन सा राह पर चलना कोई कोई आओ कोई रास्ता जानी हो कर खुशा पीने कराना।